आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट की वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, पीजीटी की। इसके पहले वाली वीडियो में हमने टीजीटी की पोस्ट की चर्चा की है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज, ऑनलाइन आवेदक पंजीकरण प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर, ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हेतु प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर, ऑनलाइन आवेदक पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर, ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हेतु अंतिम तिथि 27 नवंबर, ऑनलाइन आवेदक सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आवेदक शुल्क अनारक्षित सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी 750, 50 रुपये, ट्रांजेक्शन टोटल 750, EWS 650 रुपये। ऑनलाइन आवेदक करने का जो चार्ज है वो अन्य पिछड़ा वर्ग 750 रुपये, अनुसूचित जाति 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति 250 रुपये। इसके अंदर हिंदी की पोस्टें ओनली बालक वर्ग की बात हो रही है दोस्तों, 663 बालक वर्ग में पोस्ट है इसमें, 363 सॉरी। और गणित की पोस्ट है इसके अंदर 98, गृह विज्ञान की दो पोस्ट है इसके अंदर, अर्थशास्त्र की 143 पोस्ट है, इतिहास की 68 पोस्ट है, इंग्लिश की 269 पोस्ट है, कला की 49 पोस्ट है, नागरिक शास्त्र की 153 पोस्ट है, भूगोल की 250 पोस्ट है, मनोविज्ञान की 35 पोस्ट है, शिक्षा शास्त्र की इसके अंदर 67 पोस्ट है, समाज शास्त्र की 232 पोस्ट है, संस्कृत की 108 पोस्ट है, जीव विज्ञान की 168 पोस्ट है, जीव विज्ञान की 108 पोस्ट है, भौतिक विज्ञान की 148 पोस्ट है, रसायन विज्ञान की 160 पोस्ट है, और शारीरिक शिक्षक की 11 पोस्ट है, और वाणिज्य की 45 पोस्ट है, और कृषि विज्ञान की 38 पोस्ट है, और सैन्य विज्ञान की 10 पोस्ट हैं, और तर्कशास्त्र की 7 पोस्ट हैं। टोटल इसके अंदर 2281 पोस्ट है इसके अंदर, ये बालक वर्ग की बात है। इसके अंदर म्यूजिक की कोई पोस्ट नहीं है, पीजीटी में बालक वर्ग की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। अब हम बालिका वर्ग की बात करते हैं यहाँ पे, इसमें हिंदी की पोस्ट है टोटल 47, गणित की पोस्ट हैं 1, गृह विज्ञान की 11, अर्थशास्त्र की 28, इतिहास की 22, इंग्लिश की 28, कला की 27, नागरिक शास्त्र की 30, भूगोल की नागरिक शास्त्र की 30, भूगोल की 8 पोस्ट है इसके अंदर, मनोविज्ञान की 12 है, शिक्षा शास्त्र की 5 है, समाज शास्त्र की 11 है, संस्कृत की 34 है, और जीव विज्ञान की 6 पोस्ट है, भौतिक विज्ञान की 10 पोस्ट है, रसायन विज्ञान की 11 पोस्ट है, सामाजिक शिक्षक रसायन विज्ञान की 11 पोस्ट, शारीरिक शिक्षक 2 पोस्ट, संगीत गायन की इसके अंदर ओबीसी जनरल की 6 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट हैं, और एसटी में कोई पोस्ट नहीं है। संगीत वादन ओनली बालिका वर्ग की बात हो रही है दोस्तों, पीजीटी के अंदर बालक वर्ग में कोई पोस्ट नहीं है संगीत की, और बालिका वर्ग में गायन की टोटल पोस्ट है 9 पोस्ट, जिसके अंदर 6 पोस्ट जनरल की है,
एक पोस्ट ओबीसी की है, दो पोस्ट एससी की है और एसटी के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। और संगीत वादन बालिका वर्ग में टोटल पोस्ट है 12, जिसके अंदर जनरल की पोस्ट है 6 और ओबीसी की 4 और एससी की 2 और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट है इसके अंदर बालिका वर्ग के अंदर 340 314। अब इसमें डिग्री के बारे में बात करते हैं, संगीत में क्या डिग्री चाहिए। संगीत गायन की डिग्री संगीत में एमए की डिग्री मांगी गई है दोस्तों। इसके अंदर आपके पास पीजी डिग्री होना जरूरी है, या भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ की निपुण परीक्षा, या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, जैसे भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा, या प्रयाग संगीत समिति की संगीत प्रभाकर की परीक्षा। और वादन के अंदर गांधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद की परीक्षा, माधु संगीत विद्यालय परिसर ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न, शंकर गंधर्व ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत सीनियर डिप्लोमा अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बीए, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा और भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का एलटी एम डिप्लोमा। इसके साथ आपके पास अगर एक्स्ट्रा डिग्री बीएड एमएड पीएचडी किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र हो तो वो आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री कहलाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।